एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज शाहरुख खान का एक दिलचस्प किस्सा आपको बताने वाले हैं। एक ऐसा किस्सा जिसमें शाहरुख खान को कितनी डांट पड़ी है ये शामिल है। जी हाँ, शाहरुख खान का एक किस्सा जो केबीसी से जुड़ा हुआ है। वेल, केबीसी का नाम जब भी लिया जाता है तो अमिताभ बच्चन जहन में आते हैं, लेकिन केबीसी का एक सीजन खुद शाहरुख खान भी होस्ट कर चुके हैं। शाहरुख खान को उस वक्त उनके मेकर से काफी डांट पड़ती थी। आज ऐसा वक्त है कि शाहरुख खान को कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर डांट नहीं सकता है। आज शाहरुख खान ने इंडस्ट्री में अपनी इज्जत काफ़ी कमाई है और इज्जत ही उनके फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैंस भी काफ़ी इज्जत देते हैं शाहरुख खान को। अक्सर शाहरुख खान के बारे में देखा गया है कि उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। सलमान खान से भी ज़्यादा लोग शाहरुख को जानते हैं। देश विदेश में शाहरुख खान का नाम गूंजता है। शाहरुख खान एक ऐसा वक्त था जब मेकर्स से डांट खाते भी थे। हालांकि आज वक्त बदल चुका है, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब केबीसी के मेकर्स शाहरुख खान पर खूब चिल्लाते थे। अब इसके पीछे क्या वजह थी, देखिए इस रिपोर्ट में। शाहरुख खान बॉलीवुड के वो सुपरस्टार हैं जिनके दुनिया भर में लाखों फैन फॉलोइंग है। शाहरुख खान ने बॉलीवुड में पैसा और फेम के साथ साथ इज्जत भी खूब कमाई है। उनके फैंस के बीच में उनकी काफी इज्जत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान पर कौन बनेगा करोड़पति के मेकर्स आखिर क्यों चिल्लाते थे? जी हाँ, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान फैंस के चहेते हैं और साथ ही बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के भी। इंडस्ट्री में उनका खूब रॉब है। आज उनसे जुड़ी एक ऐसी बात आपको बताने वाले हैं इस रिपोर्ट में जो काफी इंटरेस्टिंग है। शाहरुख खान को आज के समय में भला कौन डांटना चाहेगा? शाहरुख खान की काम की परफेक्शन इतनी ज्यादा है कि कोई उन्हें कुछ नहीं बोल सकता। फैंस के बीच में तो वैसे ही शाहरुख किंग खान कहलाते हैं। इंडस्ट्री में सभी शाहरुख खान की काफी इज्जत करते हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त था जब शाहरुख खान को एक शो के प्रोड्यूसर्स लगातार गुस्सा करते थे। शाहरुख खान ने कौन बनेगा करोड़पति का एक सीजन होस्ट किया था। इस शो की होस्टिंग के दौरान शाहरुख खान को शो के प्रोड्यूसर से खूब डांट पड़ी थी। वैसे तो कौन बनेगा करोड़पति का जब भी नाम आता है तो जहन में अमिताभ बच्चन आते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन से पहले भी शाहरुख ने एक सीजन इसका होस्ट किया है और उस सीजन में केबीसी के प्रोड्यूसर्स खान पर खूब चिल्लाते थे, जिसका खुलासा सुपरस्टार ने हाल में ही किया। सालों बाद शाहरुख खान ने इस पर खुल के बात की है। शो को लेकर शाहरुख खान ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने बताया कि वो चाहते थे कि कंटेस्टेंट ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, लेकिन शो के मेकर्स उन पर चिल्ला दिया करते थे क्योंकि कंटेस्टेंट की मदद करना बिल्कुल भी मेकर्स को पसंद नहीं आया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बात करते हुए शाहरुख खान से जब पूछा गया कि वो कंटेस्टेंट को जब 1 करोड़ रुपए के सवाल के पास देखते थे तो उनका कैसा रिएक्शन था, उन्होंने बताया कि वो उनकी मदद करना चाहते थे लेकिन प्रोड्यूसर्स उन पर चिल्लाने लगते। सवाल का जवाब देते हुए शाहरुख कहते, मैं चाहता था कि कंटेस्टेंट जीते क्योंकि वो अलग अलग जगहों से आए हैं। एक समय आता था जब मैं उनकी मदद करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो अच्छी खासी रकम जीत कर ले जाएं, लेकिन प्रोड्यूसर्स मेरे कान पर चिल्ला दिया करते थे। प्रोड्यूसर्स कहते थे कि आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप पहले ही बहुत बोल चुके हैं। आखिरी के 4 घंटे और 2 सवाल बड़े मुश्किल हुआ करते थे। बता दें कि शाहरुख खान को ब्लॉकबस्टर फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर ऑफर हुई थी। स्लम डॉग मिलियनेयर ऑफर होने के बावजूद भी शाहरुख ने वो फिल्म नहीं की क्योंकि उनको लगता था कि इस फिल्म में उनका रोल बड़ा चालाक शख्स वाला है। इसके बाद फिल्म में शाहरुख खान की जगह अनिल कपूर ने ले ली थी। तो इस रिपोर्ट में देखा आपने कि कैसे केबीसी के मेकर्स शाहरुख खान पर चिल्लाते थे। आखिर क्या इसकी वजह थी? शाहरुख खान पर चिल्लाने की साफ वजह शाहरुख का अपना जो बिहेवियर था वो था। शाहरुख हमेशा ही लोगों की मदद करने को लेकर के आगे रहते थे। ऐसा में शाहरुख की यही गलती थी जो केबीसी के मेकर्स को गुस्सा दिलवाती थी और इसी वजह से मेकर्स अक्सर शाहरुख पर भड़क जाया करते थे। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ।